अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने हजाज ग्राम पर चार चीज़ें साथ लाने पर पाबंदी आयद कर दी है। आपको डिटेल देते चलें कि सऊदी वजारत हज उमरा ने ऐलान किया है कि इस साल हज का फरीजा अदा करने के लिए जो भी आजमीन आएगा उनके साथ प्लास्टिक की बोतलें, बगैर पैकिंग के खुला हुआ सामान और कपड़ों में लिपटा हुआ सामान लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना के बाद हज 2023 एक बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कोरोना के बाद एक बहुत बड़ी तादाद आजमीन हज की हज का फरीजा अंजाम देने जा रही है, तो इसी हवाले से सऊदी अरब ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं जिन पर अमल करना हमारे लिए लाजिम है। सऊदी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि इस पर अमल करना लाजमी है और इसका नोटिफिकेशन सऊदी अरब ने वेबसाइट पर भी शेयर किया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको बताते चलें कि ये पाबंदी सऊदी अरब ने आजमीन हज के सफ़र को आरामदेह और महफूज बनाने के लिए आयद की है। वजारत हज उमरा ने फिजाई सफ़र के दौरान इस सामान पर पाबंदी आयद की है। किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए इन हदायात पर ज़रूरी अमल करें। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सऊदी अरब ने एक और भी नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बैरून मुल्क की करेंसी और कीमती अशिया इतनी ही लाएं जितनी मकदार में इजाज़त दी गई है। सऊदी अरब आजमीन हज के लिए नए इकदाम बना रहा है ताकि आजमीन हज को कोई मुश्किल या परेशानी ना हो। हमें चाहिए कि हम इस इकदाम पर अमल करें और सऊदी अरब की जानिब से जो भी हदायात दी गई हैं उन पर अमल करें। हज की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।